सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में एनएसयूआई ने 203 मांगों को लेकर इकाई अध्यक्ष राजेंद्र भडाना गुजर के नेतृत्व में प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। एनएसयूआई कार्यकर्ता मेन गेट से नारेबाजी करते हुए प्राचार्य कक्ष तक पहुंचे। प्राचार्य कक्ष के सामने कार्यकर्ताओं ने आधे घंटे तक प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अध्यक्ष राजेंद्र ने बताया कि सेकंड ईयर के विद्यार्थियों की एग्जाम डेट जल्द ही निश्चित करें। सेकंड ईयर विद्यार्थियों की एग्जाम डेट नहीं आने से विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। वहीं विद्यार्थी इमरजेंसी की स्थिति में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय को जल्द ही सेकेंड ईयर की डेट निकालनी चाहिए। दूसरी मांग यह है कि जिन विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुए हैं उनको डॉक्यूमेंट जमा कराने का समय नहीं दिया गया और उनको डिफॉल्टर घोषित किया गया, इसलिए विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट जमा कराने का मौका मिलना चाहिए। राजेंद्र सहित एनएसयूआई के नेताओं ने प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेताया कि अगर विद्यार्थियों की मांग पूरी नहीं होती है तो एनएसयूआई कॉलेज को बंद कराएगी। इस मौके पर अंकित दारू, मनीष, मोहम्मद अनीस आदि एनएसयूआई के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।